दोस्तों, मनुष्य साहस के बल पर ही उन्नति और सफलता प्राप्त कर पाता है। हर इंसान को यह पता है कि कहने लायक सफलताएं प्रबल पुरुषार्थ का मूल्य चुकाने पर ही मिलती हैं। परंतु कुछ लोगों के लिए कुछ ना कहना ही उचित है, जो देवी देवताओं की वरदान आशीर्वाद की सस्ती पगडंडियां ढूंढकर जादू के जोर से चढ़े बड़े लाभ प्राप्त करने के सपने देखते रहते हैं, और जब निराशा हाथ लगती है तो बहकी बहकी बातें करने लगते हैं। मेरे भाई, सच तो यह है कि महत्वपूर्ण सफलताएं ना तो भाग्य से मिलती है और ना ही सस्ती पगडंडियों के सहारे और ना काल्पनिक उड़ानों से मिलती है। इंसान को जो भी मिलता है उसके लिए योजना बनाकर लगातार पुरुषार्थ करना पड़ता है। क्या आप जानते हो कि सफलता प्राप्त करने के लिए तीन मूल स्रोत क्या है? सफलता प्राप्त करने के लिए तीन मूल स्रोत हैं। सबसे पहला, योग्यता को बढ़ाते रहना। दूसरा, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के साधन जुटाना। तीसरा, बिना थके बिना हिम्मत खोए लगातार मेहनत करते रहना। इन्हीं तीनों के आधार के बल पर ही सफलताएं मिलती हैं। पुरुषार्थ के दो ही अंग हैं, पहला शारीरिक श्रम और दूसरा उत्साह भरा मनोयोग। जिस प्रकार बिजली के दो तार मिलकर करंट उत्पन्न करते हैं, उनके अलग अलग रहने पर शक्ति का संचार नहीं होता है। केवल श्रम तो मशीन भी करती है और पशु भी अपना काम में लगे रहते हैं। यह पुरुषार्थ कहाँ हुआ? जब उस श्रम के साथ पूरा उत्साह लगता है और कार्य का अधिक सुंदर बनाने की प्रतिष्ठा का प्रश्न बन जाता है, तो फिर मध्यम स्तर का मस्तिष्क भी चतुर लोगों के कान कतरने लगता है। मनोयोग से कुशलता एवं प्रवीणता का पथ प्रशस्त होता चला जाता है। जिस कार्य में जितनी तत्परता बढ़ती जाएगी, जितनी गहराइयों तक उसमें अधिक अच्छा बनाने का अभ्यास सोचने में उतारा जाएगा, उतना ही प्रगति का पथ प्रशस्त होता चला जाएगा। आरंभ में सामान्य से दिखने वाले व्यक्ति इसी आधार पर अपनी कुशलता को बढ़ाते हुए असामान्य कहलाने की स्थिति तक पहुंच जाते हैं। आश्चर्य तब होता है कि जब श्रम करने के सर्वथा उपयुक्त शरीर और प्रतिभा संपन्न मस्तिष्क होते हुए भी लोग ऐसे ही निष्क्रिय बने रहते हैं और मंद गति से अस्त व्यस्त रीति से जो तो खटपट भर करते रहते हुए दिन गुजारते रहते हैं। दोस्तों, शारीरिक मानसिक क्षमताएं और उपयुक्त साधन सहयोग होते हुए भी मनुष्य क्यों कुछ नहीं कर पाता है? इसका कारण तलाश करने पर एक ही निष्कर्ष निकलता है कि साहस का अभाव शिथिलता का प्रमुख कारण है। भाप या तेल के ना रहने पर इंजन चलने बंद हो जाते हैं, भले ही उनके कल पुर्जे सभी सही प्रकार से हो। जो मशीनें काम के चलने में तेल और बिजली की शक्ति काम करती है, वही साहस के बल पर मानवीय सत्ता काम करती है। पराक्रम दृश्य स्वरूप है और उसका साहस उसका प्राण है। प्राण के बिना शरीर की कोई उपयोगिता नहीं रह जाती है। साहस के अभाव में शरीर और मस्तिष्क की भौतिक क्षमता कितनी ही बड़ी चढ़ी क्यों न हो, उसका कोई भी उपयोग नहीं हो पाता है। भीतर का उत्साह ना जगे तो किसी प्रक्रिया को पूरा करने के लिए इच्छा शक्ति संकल्प शक्ति की आंतरिक स्फूर्णा का संचार ना हो तो फिर शरीर मन में ना तो उमंगे उठती है और ना समर्थ सक्रियता का संचार होता है। अर्ध मृतक अर्ध मूर्छित जैसी अंत चेतना के बल बूते पर कहने लायक ही पुरुषार्थ किसी से बन नहीं पड़ता है। क्या आप जानते हो कि साहस किसे कहते हैं? शौर्य साहस शब्द का प्रयोग अक्सर युद्ध क्षेत्र में दिखाई गई वीरता के अर्थ के रूप में होता है, पर यह परिभाषा बहुत ही संकुचित है। वास्तव में आलस से प्रमाद हटाकर शारीरिक एवं मानसिक स्फूर्ति उत्पन्न करने वाली उमंग को साहस कहते हैं। इसका पहला निशाना अपनी उदासी और उपेक्षा वृत्ति को बनना पड़ता है। उसके बाद अन्य दोष दुर्गुण को ढूंढ ढूंढ कर कूड़े के ढेर में फेंक देने के रूप में अगला कदम उठाता है। तुम्हारे व्यक्तित्व को उभारने से कौन रोकता है? निराशाजनक भविष्य की डरावनी कल्पनाएं तुम्हारे व्यक्तित्व को उभरने से रोकती हैं। असफलताएं की आशंकाएं तुम्हारे व्यक्तित्व को उभरने से रोकती हैं। अयोग्यता और दुर्भाग्यग्रस्त होने की मान्यताएं तुम्हारे व्यक्तित्व को उभरने से रोकती हैं। इन बुरी कल्पनाओं की घटनाओं को हटाने में साहस ही समर्थ हो सकता है। दोस्तों, क्या कायरता और सज्जनता एक ही वस्तु है?
काल्पनिक कठिनाइयों से तुम डरे हुए सहमे हुए रहते हो, जिसके कारण तुम कुछ करने के लिए कदम बढ़ाने से पहले ही अनिष्ट की आशंका से भयभीत हो जाते हो। तुम अपनी हिम्मत को खो बैठते हो, तुम्हें अपनी योग्यता पर विश्वास ही नहीं रहता है, तुम्हें अपनी क्षमता पर विश्वास नहीं रहता है, तुम अपनी प्रखरता पर विश्वास ही नहीं रहता है, तुम समय पर अनुकूलता और उदार सहायता की भी आशा खो देते हो। इस तरह तुम आत्महीनता की ग्रंथि से बुरी तरह जकड़ जाते हो। किसी के सामने अपने विचार व्यक्त करते हुए, प्रयोजन रखते हुए तथा उचित सहयोग की मांग करते हुए भी तुम्हारा मुँह नहीं खुल पाता है। तुम्हारी मन की बात मन में ही दबी रहती है, तुम्हें लगता है कि कहने पर कोई झिड़क देगा, तुम्हारा उपहास करेगा, इसीलिए तुम चुपचाप रहना अच्छा समझते रहते हो। इस तरह तुम अन्याय को सहते रहते हो, अनीति के विरुद्ध आवाज उठाने की तुम्हारी हिम्मत नहीं करते हो। तुम रोते, कुछ मुस्कुराते, सहते तो बहुत कुछ हो, पर प्रतिकार के लिए कुछ कहने करने में तुम्हारी नानी मरती है। अपने इस कायरता दुर्बलता को तुम कभी सज्जनता का नाम देते हो, कभी सहनशीलता का और आदि का नाम देने का प्रयास करते हो। यह झूठा डब्बू पर तुम्हारी आत्मा को धोखा देना है। मेरी भाई, कायरता और सज्जनता एक ही वस्तु है, इस बात को समझ लो। अपनी कायरता को सज्जनता का चोला मत पहनाओ। मैं यह किसी अन्य को नहीं समझा सकता। दोस्तों, क्या आपने टिटहरी के साहस की कहानी सुनी है? शायद सुनी ही होगी, क्योंकि आज के युग में कोई नहीं सुनाता है। पुरानी कथाओं में टिटहरी की कहानी बहुत ही परिचित रही है। जिसके अंडे पानी में बहकर समुद्र में चले गए थे, उस टिटहरी ने उन्हें वापस लाने का साहस किया और चोंच से मिट्टी डाल डालकर समुद्र को काटने की शुरुआत की थी। कहते हैं कि उस साहस से प्रभावित होकर अगस्त मुनि उसकी सहायता के लिए खड़े हुए थे और उनके प्रयत्न से टिटहरी के अंडों को वापस मिल जाने में सफलता मिली थी। मेरे भाई, इस कहानी की सच्चाई पर तुम्हें संदेह हो सकता है, परंतु यह तथ्य सुनिश्चित है कि दृढ़ संकल्प वाले व्यक्ति जब व्यवस्थित योजना बनाने और उसकी पूर्ति के लिए समग्र तत्परता पूर्वक कार्य में लग जाते हैं, तो देर सवेर उन्हें सफलता मिलकर ही रहती है। पुरुषार्थी व्यक्ति जन सहयोग और देवी अनुग्रह को बलपूर्वक अपनी ओर आकर्षित कर लेता है और उन्नति के उच्च शिखर तक पहुँच कर रहता है। दुस्साहस किसे कहते हैं? दुस्साहस तो उसे कहते हैं जिसमें नीति और मर्यादाओं का ध्यान न रखकर उद्दंडता अपना ली जाती है। दुस्साहस उसे भी कहते हैं जिसमें योग्यता, साधन, अवसर एवं परिस्थितियों का ध्यान न रखते हुए ऐसे ही ऊट पटांग काम आरंभ कर दिए जाते हैं। और जब वस्तु स्थिति का सामना करना पड़ता है तो साधन रहित छलांगे लगाने वालों की टांगे जिस तरह टूटती हैं, जिस तरह पछताना पड़ता है, साहस के नाम पर कई बार लोग दुस्साहस कर बैठते हैं और उस मूर्खता के कारण उपहास का पात्र बनते हैं। दोस्तों, प्रशंसा उस साहस की है जिसमें अपनी क्षमताओं को अतिवाद से बचाकर यथार्थ रूप में आंका जाता है। दूरदर्शिता पूर्ण संतुलित एवं व्यवहारिक कार्यक्रम निर्धारित किया जाता है। उस कार्य के भले बुरे सभी पहलुओं पर विचार कर लिया जाता है। आवश्यकता अनुसार सुधार संशोधन का प्रावधान रखा जाता है। जब आवश्यक समीक्षा विवेचना के उपरांत कदम उठाने का निर्णय हो गया तो उस राह पर चल ही पड़ते हैं, उसमें ज्यादा सोचते समझते नहीं है। परिस्थिति बस सरलता भी हो सकती है, अनुकूलता भी मिल सकती है और अभिज्ञ सफलता आशा से कहीं पहले भी मिल सकती है। लक्ष्य से आगे बढ़ जाने के अवसर भी आ जा सकते हैं, किंतु ऐसा भी हो सकता है कि कई प्रकार की अकल्पित कठिनाइयों का सामने आ खड़ी हो और उनके सुलझाने में बहुत प्रयास भी करने पड़े। ऐसी स्थिति में प्रगति क्रम धीमा रह सकता है और रास्ते में हेर-फेर करने की आवश्यकता भी पड़ सकती है। इन अड़चनों के रहते हुए यदि हिम्मत ना टूटी और खेल जैसी हार जीत को मनोरंजन क्रम मानकर रखा गया तो काम भले ही बिगड़ जाए पर तुम्हारा साहस नहीं टूटेगा। इस बार की
असफलता के पीछे भूलों की अपनी अनुभव श्रृंखला में संजो कर रखा जा सकता है और अगले कार्यों में भूलों की पुनरावृत्ति न होने देने का विशेष ध्यान रखते हुए इतनी अच्छी सफलता पाई जा सकती है जो पिछली क्षति की संतोषजनक पूर्ति कर देगी। दोस्तों, बुजदिली क्या है? भीतर की बुजदिली का प्रतिबिंब बाहरी दुनिया में डरावनी विभीषिकाएं बनकर सामने आ खड़ा होता है। रात के अंधेरे में झाड़ी भूत बनकर और रस्सी सांप बनकर डराती है। मरघट में खड़े हुए पीपल के पत्ते जब हवा से खड़खड़ाते हैं तो लगता है कि डालियों पर भूत नाच रहे हैं। वास्तविक भूतों का अस्तित्व कदाचित ही कभी कभी देखने में आता है। 99% उनकी सत्ता लोगों की डर भरी कुल कल्पनाओं पर ही टिकी रहती है। यह डरे हुए लोग उन काल्पनिक भूतों से भयंकर त्रास पाते हैं और कभी कभी तो मृत्यु के मुख में भी चले जाते हैं। यह आत्म दुर्बलता का ही त्रास है। बहादुर लोग सोचते हैं कि जब शरीरधारी जीवित मनुष्य किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता तो यह शरीर साधन से रहित मरे हुए भूत यदि होते भी होंगे तो हमारा क्या बिगाड़ सकते हैं। मरघटों के नजदीक खेतों में किसान रातों में ही रहते हैं, फसल लगाते हैं और हल जोतते हैं। अपनी निर्भयता के कारण उनकी पूर्ण सुरक्षा रहती है और कभी भूतों से पाला ही नहीं पड़ता है। बुजदिली एक रंगीन चश्मे की तरह है जिसे पहन लेने पर डरावना रंग ही चारों ओर छाया हुआ प्रतीत होता है। रास्ता चलते लोग डाकू आक्रमकारी लगते हैं और हर दिशा से विपत्ति के पहाड़ टूटते हुए प्रतीत पड़ते हैं। हर घड़ी यही लगता है कि अगले दिनों मुसीबत की घड़ी आने वाली है। घाटा, बीमारी, मृत्यु, मुकदमा, आक्रमण जैसी आशंकाएं मस्तिष्क में उमड़ती रहती है। इस प्रकार की असंतुलित मन स्थिति में सोच सकना और भावी गतिविधियों का निर्धारण कर सकना ही संभव नहीं होता है। ऐसे व्यक्ति बहुधा डरे सहमे किसी कोने में दबे छिपे अपने दिन काटते रहते हैं और अपनी सहज प्रतिभा को सरलता पूर्वक मिल सकने वाला लाभ भी नहीं उठा पाते हैं। इस प्रकार की छोटी छोटी हानियां हर घड़ी उठाते उठाते समूचे जीवन को भयजनक क्षति इतनी बड़ी होती है जिसका लेखा जोखा लेने पर प्रतीत होता कि इस दुर्बलता के कारण 3/4 उज्ज्वल संभावनाएं एक कारण ही नष्ट हो गई। मेरे भाई, इस बात को सदा याद रखो, साहस सदा बाजी मारता है। तुम्हारे अंदर का शौर्य भारी जीवन में पराक्रम पुरुषार्थ बनकर प्रकट होता है। कठिनाइयों के साथ दो दो हाथ करने की खिलाड़ी जैसे उमंग मनुष्य को खतरा उठाने और अपनी विशेषता प्रकट करने के लिए प्रेरित करती है। साहसी लोग बड़े बड़े काम कर गुजरते हैं। बड़े कदम उठाने में पहल तो उन्हीं को करनी पड़ती है पर पीछे कहीं न कहीं से सहयोग भी मिलता है और साधन भी जुटते हैं। सफलताओं के ताले साहस की चाबी से खुलते हैं, इस बात को समझो। दूसरे मनुष्य जब गई गुजरी परिस्थिति में रहते हुए अपनी प्रगति क्रम जारी रखते हुए उन्नति के उच्च शिखर तक पहुंच सकते हैं तो फिर वैसा तुम क्यों नहीं कर सकते हो? इस प्रश्न का अनुकूल उत्तर जिनका अंतःकरण देता है वे आत्मविश्वास के धनी एकाग्री आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अनुकूलता उनके बाएं और सफलता उनके दाएं कदम से कदम मिलाकर चल रही होती है।